जितने भी यहाँ पे बोर्ड कैंडिडेट हैं, क्लास 10 के, क्लास 12 के, आईएससी के, आईसीएससी के, मैं आपको बता दूं काउंसिल की तरफ से ऐसी कई सारी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड की गई हैं, जिनके माध्यम से आज मैं आपको वन बाय वन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा आपके दोस्तों कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन को लेकर, आपके दोस्तों क्लास 10 एंड क्लास 12 के जो एग्जामिनेशन अभी अभी सब्जेक्टिव मोड में सेमेस्टर 2 के कंडक्ट कराए गए हैं उनको लेकर बोर्ड ने काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। यहाँ पे आपको स्क्रीन में प्रूफ भी दिख रहा होगा जिसके माध्यम से न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट्स या जानकारियाँ मिली हुई हैं कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट से जो जानकारियाँ सामने आ रही हैं कि आपके दोस्तों जो 2022 के सेमेस्टर 2 के सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जामिनेशन हुए हैं उनके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो रिजल्ट्स आएंगे उसके 60 दिन के बाद तक आपकी कॉपियों को दोस्तों संग्रह में रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 60 दिन के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है, यानी कि अगर आपको कॉपी रिजेक्ट नहीं करवाना है, आपको कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन नहीं देना है या आपको अपने कॉपी में किसी प्रकार के आपत्ति एरर नहीं दिख रहे हैं तो आफ्टर 60 डेज उस कॉपी को डिस्पोज कर दिया जाएगा, जो बातें आपको स्क्रीन में दिख रही होंगी। यहाँ पे इन बातों को साफ साफ मेंशन किया गया है कि जब हम रिजल्ट को अनाउंस करेंगे, मैं मान लेता हूँ जुलाई के मिडिल में आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, यानी कि 15 जुलाई को आपको रिजल्ट अनाउंस होगा, मैंने मान लिया। अब यहाँ पे 15 दिन यानी कि 60 दिन बाद तक आपके दोस्तों कॉपियों को एकदम सिक्योर करके रखा जाएगा। उसके बाद आपको अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है, अगर आपको उसमें कॉपी रिजेक्ट करवाना है या आपको उसमें नंबर्स आपको लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन काउंसिल की तरफ से हमको नंबर बहुत ही गलत प्रोवाइड कर, तो अगर आपको 60 दिन तक ऐसी कोई समस्या दोस्तों देखने को नहीं मिलती है तो आप किसी प्रकार की अब आपको समस्या लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी कुछ सीआईसी ऑफिशियल से इन बातों को बोला गया है। लेकिन आपको मैं एक जानकारी प्रोवाइड कर दूं, वेटेज के रिकॉर्डिंग और दोस्तों न्यू मार्किंग पॉलिसी के रिकॉर्डिंग जो कई सारी अपडेट भी प्रोवाइड की गई है उनमें कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी अपडेट आपको प्रोवाइड की गई है काउंसिल की तरफ से और काफ़ी खुशखबरी वाली बात भी है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है रिजल्ट आने के बाद फिर आपके बस का कुछ नहीं रहता है, क्योंकि काउंसिल जो बातें बोल देता है आपको उसी बेसिस पे आपको नंबर भी प्रोवाइड हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल बोर्ड जो कंसीडर करेगा काउंसिल उसी बेसिस पे फैसले लेगा, वह बिना एक्सपर्ट्स की सलाह के, वह बिना स्कूल बोर्ड की सलाह के कुछ भी फैसला लेने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके जो 2022 के सेमेस्टर 2 के सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जामिनेशन हुए हैं उनके चलते यहाँ पे इन फैसला को लिया गया है, इन डिसीजन को लिया गया है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद कॉपी को जो दोस्तों कंसीडर किया जा रहा है, कॉपी को जो सिक्योर करके रखा जा रहा है वह विथ इन 60 डेज तक सिक्योर रहेगा, उसके बाद उसको पूरी तरह से डिस्पोज कर दिया जाएगा, उसके बाद आपकी कोई सुनवाई नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए अगर आपको रिजल्ट आने के बाद कोई ऐसी समस्या महसूस होती है कि हमारी कॉपी में नंबर कम आए हैं या तो हमने बहुत अच्छा एग्जामिनेशन दिया था नंबर काफ़ी ख़राब हो गए हैं या कोई अपने नंबर रोल नंबर मिस्टेक कर दिया हो, तो यहाँ पे 60 दिन के भीतर आपको इन सभी चीज़ों को काउंसिल को बताना होगा, अपने स्कूल बोर्ड को बताना होगा, आपको पूरी तरह से आपकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं वेटेज पॉलिसी से रिगार्डिंग जो जानकारियां काउंसिल ने प्रोवाइड की हैं उसके मुताबिक दोस्तों आपके वेटेज को लेकर जो सीबीएसई जो फैसले लेने जा रही है सेम उसी पैटर्न पर सीआईसी को भी रन करना है, क्योंकि जो फैसले सीबीएसई लेती है तो यहाँ पे आप लोगों को मेक श्योर कर लेना है कि आपको अपने स्कूल बोर्ड से लगातार दोस्तों कंटिन्यू कॉन्टैक्ट में रहना है, ताकि किसी भी प्रकार की अगर समस्या आपको देखने को मिलती है अपने कॉपी में, अपने एग्जामिनेशन में, तो आप स्कूल बोर्ड को इन बारे में, तो यह जो बातें दोस्तों न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट से निकल के आ रही, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन में प्रूफ दिखाया, आपको इन सभी मामलों को ध्यान से देखना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसीलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे अब आपके जो इंटीग्रेटेड रिजल्ट आने वाले हैं वह दोस्तों बेस्ट आप 50-50 ही आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ काउंसिल ने आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के जो कंडक्शन थे दोस्तों उनके चलते आपके यहाँ पे दोस्तों जो स्कूल बोर्ड की तरफ जो कंसिडरेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि न्यूज़ मीडिया की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं उनमें इन बातों को भी बोला गया है कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हैज कंप्लीटेड द सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आईएससी क्लास 12 और आईसीएससी क्लास 10 के जो 2022 के सेमेस्टर 2 के सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जामिनेशन हुए हैं उनके चलते यहाँ पे जितने भी बोर्ड कैंडिडेट हैं, मैं आपको बता दूँ काउंसिल ने यहाँ पे वेटेज को लेकर भी कई सारी ऐसी अपडेट प्रोवाइड की हैं, क्योंकि जो सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन इस बार काउंसिल ने कंडक्ट कराया था उसके पीछे कई सारे ऐसे स्ट्रेटजी काउंसिल की, जिसके चलते यहाँ पे आपके नंबर मार्किंग स्कीम, आपकी न्यू वेटेज पॉलिसी और यहाँ तक कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो इंटीग्रेटेड नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके चलते भी कई सारी चीज़ों में अपडेट किया गया है।
तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में प्रूफ दिख रहा होगा, यह ऑफिशियल न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो ICSE क्लास 10 के और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन हो गए हैं उनके रिजल्ट्स को मिड ऑफ जुलाई तक देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वीक में आने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि काउंसिल यानी कि आपके CISE आपके सभी इंडिया से अपलेटेड स्कूल बोर्ड में पहले रिपोर्ट कार्ड मांगेगा, उसके बाद ही आपको मार्कशीट पॉइंट करेगा। क्योंकि जो प्रोजेक्ट मार्क्स हैं, जो इंटरनल मार्क्स हैं, वह आपके स्कूल बोर्ड के कंसिडरेशन पर ही प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर कोई भी टीचर या ऐसी बात करता है कि बिना स्कूल के कंसिडरेशन के आपको नंबर सीधा काउंसिल देगा, तो यह संपूर्णतः गलत है। यहाँ पे स्कूल बोर्ड ही आपको प्रोजेक्ट मार्क्स, आपके इंटरनल असेसमेंट और यहाँ तक कि आपके पूरे इंटीग्रेटेड मार्कशीट में जो नंबर मेकिंग प्रोसेस है उसमें आपके स्कूल बोर्ड का हाथ होने वाला है। तो यहाँ पे न्यूज 18 की रिपोर्ट में इन सब बातों का भी जिक्र किया गया है और बताया गया है कि काउंसिल ने इन सभी चीज़ों को बखूबी परखा है और ध्यान देते हुए एक समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसके तहत आपके इंटीग्रेटेड मार्कशीट में आपको नंबर मेकिंग पॉलिसी के तहत कई सारी चीज़ों के बात छिड़ गई है। अगर आपको दोस्तों किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके अपनी जानकारियों को बता सकते हैं। हम मानते हैं कि सभी कमेंट्स को देखना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर एक समस्या का हम आपको रिप्लाई दे सकें। अगर आपको हमारे टीचर से बात करनी है तो सब्सक्राइब के बगल में आपको एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करके यहाँ पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा, ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है तुरंत ही हम आपको नोटिफाई करते रहें। क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जामिनेशन मजाक नहीं होता है, आपको अगर आपको किसी प्रकार से आपके नंबर्स कम हो गए तो आपको ही इन प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ेगी, बाद में पूरी ज़िंदगी आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे 60 दिन के लिए काउंसिल ने इन सभी चीज़ों को निकाला है।